कुछ गुरुदेव श्री के विरोध में कम से कम 8 अखबार, जैन गजार, जैन दर्शन, करुणादीप, हर 7वें दिन उसके 8 पेज एक धंधा के गुरुदेव श्री का विरोध। ये हमने 25-30 साल तक पढ़े हैं और गुरुदेव श्री ने भी पढ़े हैं। उनके यहाँ दोपहरी में वो जो समय रहता था ना, करीब 1:30 से 2:30 तक का, वो समय वे अखबार सब पढ़े जाते थे और सब विद्वान वहां बैठते थे, हम भी कई जगह उसमें बैठते हैं। और सारे मुनि हर सभा में सारे देश में विरोध में रोजाना 1-1 घंटा बोलते थे और अंत में प्रस्ताव पास कर दिया सबने मिलके कि हमको इनको गैर दिगंबर घोषित करते हैं कि ये दिगंबर ही नहीं है। गुरुदेव सामने ये बात आई तो गुरुदेव ने कहा, मुझे दिगंबर बनाया किसने था कि जिनके बनाने से मैं बन गया और जिनके मना करने से मैं मिट जाऊंगा। और हमारा एक सिद्धांत, नो रिप्लाई द बेस्ट रिप्लाई, अपने यहाँ शांति से बैठ के 2 टाइम प्रवचन और 1 टाइम तत्व चर्चा करते रहे करते रहे करते रहे। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जो गुरुदेव सिंह का इतना तत्व ज्ञान विद्यमान है, किसी के विरोध करने से रुकता होता तो ये रुक जाता, होता नहीं। सुमन भाई, आपके पिताजी बापूजी का एक सिद्धांत था, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, हरेक को यही कहते थे। हाँ, उलझेंगे हम, किस किस से उलझेंगे, किस किस को जवाब देंगे, हमें तो अपने उस मार्ग पर चलना है। पर दिक्कत हमारी ये है कि हम पूरे गुरुदेव नहीं बन पाए हैं अभी, कोशिश होने के बावजूद। इसलिए कभी कभी हम थोड़े विचलित हो जाते हैं, कुछ स्पष्टीकरण की हमें आवश्यकता महसूस होती है। बहुत लोग हमारे आते फोन कि साहब स्पष्टीकरण करो। मैं कहा देखो, जरूरत होगी, हमें महसूस होगा, उस दिन करेंगे। तुम्हारे कहने से हम आज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पहले हो जान दो ना पूरा खेल, एक एक आदमी तक जो संदेश उन्हें पहुंचाना है पहुंचा देने दो, और बाद में हम जो सच्चे दिल से चाहेंगे स्पष्टीकरण हमसे, पवित्र भाव से, हम उन्हें स्पष्टीकरण अवश्य करेंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, घबराने की नहीं है। इतने में जल्दी भी जो विचलित हो जाएगा उसका नुकसान खुद का करेगा, हमारे का क्या करेगा, वो हमारा प्रवचन नहीं सुनेगा, हमारी किताब नहीं पढ़ेगा, किसका नुकसान होगा, हमारी सभा का 1 श्रोता कम हो जाएगा। अरे श्रोता तो बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो आज तक नहीं आते थे वे भी आएंगे, और वे भी आएंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। अभी ऐसे लोग यहां बैठे होंगे कि देखें ये क्या कहते हैं, समझे ना। इसलिए वे भी सुनेंगे, हमें श्रोता कम होने का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हमारे माथे पर सल नहीं है, हमको कोई घबराहट नहीं है, हम गुरुदेव कांजी स्वामी के शिष्य हैं।